नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है एक नए एपिसोड में डीडी किसान। आज हम आपको किसानों के लिए एक बनी संस्था कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में बताएंगे। आज हम खड़े हैं कृषि विज्ञान केंद्र अंबाला, जो कि एक प्रोजेक्ट है जिसको इम्प्लीमेंट किया है SCHE सोसाइटी फॉर क्रिएशन हेवन ऑन अर्थ ने, जिसकी फंडेड है ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। हमारे जो प्रेसिडेंट मिस्टर अखिल बख्शी जी के कर कमलों से ये पूरा का पूरा संस्थान चलता है, जिसमें डॉक्टर उपासना सिंह सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड के तौर पर काम करते हैं। आइए आज बात करेंगे कृषि विज्ञान केंद्र की, क्या क्या ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है फार्मर्स को, किस किस प्रकार से, कहाँ पर स्थित है, कैसे इससे पहुँचा जा सकता है और कहाँ कहाँ से हम इससे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कृषि विज्ञान केंद्र 1996 में बना था, तब से लेकर आज तक 482 यानी 482 गांव में इसने अपनी पूरी की पूरी बेनिफिट या सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, जिसमें हम आगे बात करेंगे। अलग अलग ढंग से अलग अलग स्कीमों के तहत कृषि विज्ञान केंद्र अलग अलग फार्मर्स को, अलग अलग किसानों को बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करता है। चलिए अब हम चलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कृषि विज्ञान केंद्र गाँव तेपला में स्थित है, अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये गांव आता है। साहा के पास इसका पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज जो हमारा तकनीकी केंद्र है वो यहां पर स्थित है। यहां पर बहुत सारी तरीके की डेमोस्ट्रेशन यूनिट हैं, जैसे कि डेयरी, जैसे कि पिगरी, गोटरी और उसके बाद पोल्ट्री फार्मिंग, और यहाँ पे अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग ट्रायल भी लगाए जाते हैं और अलग अलग स्कीमों से फार्मरों को बेनिफिट भी किया जाता है। चलिए अब चलते हैं यहाँ के सीनियर साइंटिस्ट एंड प्रमुख या सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड डॉक्टर उपासना सिंह से, और उनसे बात करते हैं आगे और जानकारी प्राप्त करते हैं। ये केवीके 96 से एनजीओ के नाम से केवी अंबाला में काम कर रहा है और विभिन्न स्कीमें जो ICR की तरफ से किसानों की सेवा में पहुंचाई जाती हैं, दी जाती हैं, जिसके तहत रह के हमारे किसान भाई और उनका घर परिवार एक खुशहाली की तरफ प्रस्थान कर सके, उसके ऊपर हम लोग विभिन्न कार्य यहाँ पे करते आए हैं। जैसा जैसे हमें ऊपर से सरकार की तरफ से विभिन्न स्कीमें लॉन्च होती हैं, हम इस केवीके को दी जाती हैं ताकि किसानों तक पहुँचाई जाए। उनमें से विभिन्न हमारी जो स्कीमें हैं वो आज के टाइम में जो चल रही हैं वो है एक फसल अवशेष प्रबंधन के नाम से, जिसके तहत पराली के अवशेष के अंदर आग ना लगाएं, पराली के अवशेष को निपटारा किस तरह से किया जाए ताकि ना केवल प्रदूषण से बचा जा सके बल्कि जो जमीन है उसकी उपजाऊ शक्ति भी बढ़ सके। तो फसल अवशेष प्रबंधन का ये जो CRM प्रोजेक्ट है ये इस समय हमारे यहाँ केवीके में किसानों के को अवगत कराने के लिए जागरूकता के तहत और विभिन्न डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू भी किसानों के यहाँ लगाया जा रहा है। पिछले 3-4 साल से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। एक हमारी स्कीम है आर्या की, जो नौजवान आज के टाइम में नौकरी की तलाश में अपने गांव को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, इसको नज़र में रखते हुए सरकार ने एक ये स्कीम चलाई आर्या अटेनिंग एंड रिटेनिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, जिसका पूरा नाम है। इसके तहत जो नवयुवक बाहर जाने से जाना चाहते हैं उनको हम ये बताया जाता है स्कीम के तहत कि गाँव में रह के भी वे स्वयं का रोजगार शुरू कर सकते हैं। इसके तहत इस केवीके अंबाला के पास 4 एंटरप्राइजेस के तहत काम चलाया जा रहा है, जिसमें से हमारा है मुख्य सेकेंडरी एग्रीकल्चर की तरफ रुझान है, जैसा कि मशरूम प्रोडक्शन, खुम्ब उत्पादन या नर्सरी रेजिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और पिग फार्मिंग। इन 4 एंटरप्राइजेस के तहत किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है और उनको एक रोजगार कैसे शुरू किया जा सके, इसके ऊपर किस तरह से आगे चल के मुनाफा लेके और अपने पैरों पर वो खड़े हो सकते हैं, ये आर्या का मैंडेट है हमारे प्रोजेक्ट का। फिर हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट आज के टाइम में चल रहा है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का, इसके तहत जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है उनको बेनिफिट देने के लिए और उनको एक आगे बढ़ने के लिए, बढ़ोतरी के लिए ये प्रोजेक्ट केवीके के तहत ये भी चलाया जा रहा है। अन्य जो प्रोजेक्ट है विशेष, जो अभी रिसेंटली ड्रोन का प्रोजेक्ट आया है, जिसमें जैसे हम पेस्टिसाइड्स का छिड़काव हम ज़मीन पर रह के डिफरेंट मशीन्स के थ्रू, स्प्रे पंप्स के थ्रू यूज़ करके हम करते आए थे, उस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव टेक्नोलॉजी की तरह हवा के थ्रू एक ड्रोन है जिसके तहत छिड़काव प्रॉपरली सारे खेत के अंदर करा जाता है, जो भी कोई बीमारी आ रही है उसके प्रकोप से बचाने के लिए फसलों को।
तो इसके तहत जो है हमारे वैज्ञानिक हैं वो इसके ऊपर आगे आने वाले हमारी कड़ी के अंदर रुझान डालेंगे कि क्या इस प्रोजेक्ट के तहत है और इस प्रोजेक्ट में वो किस तरह से फार्मर्स उससे बेनिफिट ले रहे हैं। अगला जो हमारा प्रोजेक्ट जो हम आज के टाइम में, जैसा आप जानते हैं कि राइस वीट का जो सिस्टम है, फसल चक्र है, उसके तहत किसान जो है अधिक अपनी उपजाऊ शक्ति को, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा सके और 3 क्रॉप एक साल के अंदर ले सके, तो उसके तहत जो बीच का समय होता है एक हार्वेस्टिंग खत्म होने के बाद दूसरी फसल की बिजाई से पहले जो बीच का ड्यूरेशन होता है उसके तहत पल्सिस का प्रोग्राम, ऑयल सीड पल्सिस का प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से आया है, जिसके तहत हम लोग मसरी हो गया, मस्टर्ड हो गया, इस तरह के हम डेमोस्ट्रेशंस कंडक्ट करते हैं ताकि फसल चक्र भी बना रहे और फार्मर की उपजाऊ जमीन की उपजाऊ शक्ति बनी रहे और वो 3 क्रॉप एक अपनी जमीन से ले सके। जो और प्रोजेक्ट हमारे हैं, क्योंकि जैसा भी कोई भी कड़ी है, हम जो भी काम किसानों के साथ करते हैं फसल से संबंधित, उसमें मौसम का बहुत योगदान रहता है और ताकि मौसम के अनुकूल ही काम करे किसान, तो उसके तहत एक दामू का स्टेशन केवीके के तहत लगने वाला है। अभी हमारा स्टेशन नहीं इंस्टॉल हुआ है पर हमारे पास इसके वैज्ञानिक आ गए हैं, जिसके तहत के मौसम का अपडेट की जानकारी किसानों को समय पे अपने एक ग्रुप्स के थ्रू हम लोगों के गठित हैं, जिसके थ्रू हम उनको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आने वाला मौसम कैसा है ताकि उसके अनुकूल ही वो अपनी खेती कर सके। तो एक ये दामू का प्रोजेक्ट यहाँ पे केवीके के सेंटर में चलाया जा रहा है। और रिसेंटली जैसा सभी अवगत है, एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफपीओ 2 FPO केवीके ने शुरू करे हैं, जिसके तहत 300 किसान उस 1 FPO में जुड़े हुए हैं, यानी 600 किसान के तहत ये FPO प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसका मेन उद्देश्य है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के फार्मर जो है एकजुट होके एक ऐसा प्लांट, ऐसा एक अपना एंटरप्रेन्योरियल यूनिट एस्टेब्लिश करे, शुरू करे, ताकि ना केवल अन्य किसानों को भी रोजगार दे सके और खुद भी एक ब्रांड नेम की तरह अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके और अपना एक नाम कमाए। तो ये एक FPO का ये रुझान है। हमारे 2 FPO हैं जो बहुत अच्छे ढंग से, और उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक मिलेट प्रोडक्ट्स आज के टाइम में हमारे फार्मर्स जो हैं FPO के साथ जुड़े हुए काम कर रहे हैं। तो इस तरह से केवीके, और ना केवल इसके, क्योंकि जैसा पहले बताया ये केवीके अन्य केवीके से थोड़ा सा NGO केवीके होने के नाते कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी हैं जो किसानों के साथ हम लोग समय समय पर चलाते आए हैं। और हमारे केवीके में जो काम हम कर रहे हैं, चाहे वो मशरूम की खेती है, चाहे पिगरी की, चाहे पोल्ट्री की, ये सारी डेमोस्ट्रेशन यूनिट्स हमारे केवीके फार्म पे एस्टेब्लिश है और करके सीखो के तहत हम लोग किसानों को ये जानकारी ट्रेनिंग के थ्रू, डेमोस्ट्रेशंस के थ्रू देते हैं। जैसे पोल्ट्री की है, पिगरी की है हमारे पास, इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट केंचुए खाद का है, डेयरी यूनिट है। डेयरी यूनिट के तहत हम किसानों को ये भी बताते हैं कि देसी घी का भी प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं अपने, क्योंकि कई बार मिल्क का जो है रेट नहीं मिल पाता, तो उसमें बाय प्रोडक्ट को किस तरह से प्रमोट करके आगे बढ़ सकते हैं लेडीज़ जो महिलाएं हैं घर की। तो इस तरह की जो विभिन्न एक्टिविटी है मेरे वैज्ञानिक की टीम किसानों के साथ जुड़ के, और उस टेक्नोलॉजी को जो नवीन तकनीक है, जो कहीं से भी नवीन तकनीक ICR के तहत लॉन्च हुई है या कुछ ऐसा है, वो किसानों तक पहुँचाई जाती है। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं सॉइल टेस्टिंग लैब में। यहाँ पर किसानों की मिट्टी की जांच की जाती है ताकि वो अच्छे से अच्छे ढंग से अपनी मिट्टी के ऊपर काम कर सके और पता कर सके ज़्यादा से ज़्यादा उपज कैसे मिलेगी और कैसे काम चलेगा। चलिए चलते हैं सॉइल टेस्टिंग लैब। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये पैथोलॉजी लैब है, जिसमें माइक्रोस्कोप आप देख रहे हो दो तरह के। एक इस तरह का माइक्रोस्कोप देख रहे हैं जिसमें पेप्टी प्लेट रख के नीचे से लाइट्स देके फंगस के अंदर के कुनेडिया, ओस्पोर या अदर सिस्टम निमेटोड या रूट्स नॉट निमेटोड को हम लोग आइडेंटिफाई करके क्लिकिंग करते हैं पिक्चर उसकी। ये हमारी रिसर्च में और ट्रायल्स बेस पे उस पर फंक्शन में काम आते हैं जूम पैटर्न पे। दूसरा आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्लाइड रखी जाती है, ये माइक्रोस्कोप होता है स्टीरोस्कोप माइक्रोस्कोप। इसमें हम लोग अलग अलग इसकी स्ट्रेंथ होती है एक्स जूम पे, और इस पर हम लोग सेटिंग करके यहाँ से क्लिक करते हैं, इसमें भी फ़ोटो ली जाती हैं। मगर ये हाई डेफ सिस्टम होता है जो कुनीडिया के स्पोर्स, फंगस के कुनीडिया, हाइफा, माइसीलम, इन सबको रिकग्नाइज करता है कि उसके कैरेक्टर सिस्टम पे वो क्या ही आइडेंटिफाइड किया जाता है। ये दो तरह के माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं मोस्टली फार्मर्स। कोई ले आता है अपना कोई प्लांट सैंपल ले आता है डिजीज वाला, उस पर थोड़ा सर्च करना और रिसर्च करना, तो इस तरह से हम लोग
इसको करते हैं। इसका माध्यम होता है पोटैटो डॉक्ट्रोज अगर होता है जिसके ऊपर फंगस को ग्रो करा के, तब हम लोग इसको रिचेक करते हैं कि आखिर ये कौन सी बीमारी है, उसका जो फंगस है क्या सेम कैरेक्टराइजेशन पे ऊपर है या वो कोई दूसरा है। अदरवाइज़ हम लोग पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जो होती है यूनिवर्सिटीज़ की, इनको फॉलो करते हुए साइंस सिस्टम ऑफ डिजीज़ और इंसेक्ट अटैक पोजिशन, इसके अकॉर्डिंग फार्मर्स को हम लोग इमीडिएट उसको इंफॉर्मेशन देते हैं कि कैसे वो अपनी क्रॉप को मैनेज कर सकता है, पेस्ट या डिजीज पॉपुलेशन को कम कर सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे कांच का या प्लास्टिक का ऐसा यंत्र दिखाई दे रहा है, एक मशीन दिखाई दे रही है जिसको लैमिनार फ्लो बोलते हैं। ये बेसिकली फंगल कल्चर को आइसोलेट करने में या हमें उसकी अगर प्लेट बनानी है मदर कल्चर से एक्स्ट्रा, उसके लिए काम आता है। ये दो तरह के होते हैं, एक वर्टिकल होता है जिसका स्टैंडिंग पोजीशन पे होता है और ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम पे है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं, इनके जस्ट पीछे एक बहुत माइक्रोफाइन लेयर बनी होती है जो कि माइक्रोब्स को या अदर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आने नहीं देती है इस चैम्बर के अंदर। यहाँ पे साइंटिस्ट बैठते हैं जो बंदा इसमें काम कर रहा होगा, और इस तरह से अलग अलग चीज़ों की टेस्ट ट्यूब या ट्रिपलेट बनाना, फंगस को कल्चरिंग करना, ये सब इसके अंदर करा जाता है। ये पूरा का पूरा चैम्बर एक स्टेलाइज कंडीशन पे होता है, इसे साफ करते हैं बैठने से पहले, फिर जिस कल्चर को करना होता है ये करते हैं। बेसिकली ये जो आप कमरा देख रहे हैं, लैब देख रहे हैं, ये पैथोलॉजी लैब है, इसका ये पार्ट है, इसी के अंदर रख के हम चीज़ों को डायग्नोस करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये सैंपल प्रेजेंट किया गया हुआ है लूज स्मट ऑफ हीट, यानी कि जो गेहूं की जो दालियाँ काली हो जाती हैं वो इसमें मैं दिखा रहा हूँ, और ऐसे ही ये जो ब्लैक स्कोर है इसको पोटैटो डॉक्टर अगर मीडिया के माध्यम से 2 ml 4 ml पेट्री प्रेस में डाल के इन स्पोर से फंगस की ग्रोथ कराते हैं, क्योंकि ये इसके ओ स्पोर है। ये जब ग्रोथ करते हैं तो फंगस की तरह सफ़ेद सफ़ेद पाउडर की तरह संरचना बनती चली जाती है, और इस तरह से पूरे पूरी कवरिंग हो जाती है। लमसम ये पुरानी प्लेट्स हैं, बट नो डाउट इसमें कल्चर 5-6 साल तक बना रहता है। जैसे सुअर कैन का एस्टिमेट का है, तो फार्मर्स को थोड़ा रिकॉग्नाइज कराने के लिए, आइडेंटिफाइड कराने के लिए कि क्या उनके खेतों में इस तरह की समस्या आ रही है, इस तरह का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा सॉइल टेस्टिंग लैब, अब हम आपको दिखाते हैं अपने इक्विपमेंट शेड के अंदर के इक्विपमेंट। यहाँ पर बहुत तरीके के इक्विपमेंट हैं, हैप्पी सीडर है यहाँ पे आप देखेंगे, और एमबी प्लाव है, और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनको हमें फार्मर्स को देते हैं, वो फार्मर्स इनको यूज़ करके अपने आप से हमें वापस दे जाते हैं, जिसकी हम कोई भी निःशुल्क वैल्यू देते हैं, हमें कोई भी उससे पैसा नहीं लिया जाता। फार्मर्स के फायदे के लिए, फार्मर्स के बेनिफिट्स के लिए इन इक्विपमेंट्स की 24 घंटे अवेलेबिलिटी रहती है। चलिए दोस्तों, अब आपको लेके चलते हैं केवीके की डेयरी यूनिट पे। हमारे यहाँ पर देसी गाय की डेयरी यूनिट है जो कृषि विज्ञान केंद्र अंबाला में स्थित है। चलिए बात करते हैं जो डेयरी के यहाँ पर डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजन मिश्रा से। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हमारे पास कितनी गाय हैं? हमारे पास यहाँ पे 6 गाय हैं, जो कि हमारे पास 4 साहिवाल नस्ल की है और 1 गिर नस्ल की है। जी डॉक्टर साहब, क्या फ़ायदा होता है देसी गाय का, और जो अलग से गाय ब्रीडिंग हाइब्रिड गायें आती हैं उनमें क्या अंतर है और क्या फ़ायदा रहता है देसी गाय? देखिए, मैं पहले अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि देसी गाय जो है ना, पहले इसकी पहचान मैं थोड़ी सी बता दूँ कि जैसे यहाँ देखेंगे कि इनके शरीर में एक तो गल कंबल पाया जाता है जिसे हम लर बोलते हैं, जो गले के नीचे, और एक इनके हम्प पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं कि इनका डिल बोलते हैं कहीं कहीं, या और कुछ भी भाषा में बोलते हैं। ये ऐसा ये हेल्प करता है कि जो भी हमारे भारत का क्लाइमेट कंडीशन है उसको ये एनिमल क्या करता है कि उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उस पर अपने टेम्परेचर को मेनटेन कर लेता है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जो देसी गाय का जो दूध होता है, या गोबर की बात करें या मलमूत्र की बात करें, वेदों पुराणों में ये बहुत ज़्यादा जगविदित है कि देसी गाय की अगर जो बछड़ी है, अगर वो बिना दूध पीती हुई बछड़ी का अगर मूत्र किसी कैंसर के पेशेंट को दिया जाए तो उसका बहुत लाभकारी, या कह सकते हैं कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को ख़त्म करने की क्षमता रखता है। दूसरा जो और डॉक्टर साहब, दूध के क्या फ़ायदे हैं? दूध के ये फ़ायदे हैं कि ये जो दूध है, शायद किसान आप लोग जानते होंगे,
कि यहाँ पे गाय जो है इसमें ए टू जीन पाया जाता है। ए टू जीन जो है हमारे जो दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, एक होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को रिस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए ए टू जो जीन है ये हमारे हीमोग्लोबिन पार्ट को या हीमोग्राम पार्ट को बढ़ाता है। दूसरा इसमें मल्टी विटामिन जैसे विटामिन B6, B12 एंड ओमेगा 3, दिस काइंड ऑफ फैटी एसिड इसमें पाई जाती हैं जो कि ह्यूमन के इम्यूनिटी सिस्टम को और बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि गाय का जो देसी गाय का जो घी है ये पढ़ने वाले बच्चों के मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। डॉक्टर साहब एक और बात बताएं, जो समस्याएं आती हैं किसानों को, काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो पशुपालन के रखरखाव से हैं, क्या एक बार कुछ किसानों के लिए बताना चाहेंगे कि पशुओं के लिए मूलतः क्या चीज़ें करनी चाहिए और किस तरीके से रखरखाव करना चाहिए? देखिए जी, अभी जो हम अभी बात करें अगर पशुपालन की, तो एक जो बड़ा पार्ट होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो पार्ट है ये सारे पार्ट को कवर करता है, लाइक हेल्थ पार्ट को कवर करता है, न्यूट्रिशन पार्ट को कवर करता है, उसके गायनी को कवर करता है। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा थोड़ा सा कि कैसे पशु का रखरखाव, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि अभी जो पिछला हमारा बारिश का सीज़न था, बहुत सारे इंसेक्ट अटैक पशुओं में बहुत ज़्यादा हुआ, जिसके कारण पशुओं में विभिन्न तरीके की बीमारियाँ जैसे कि शरीर में छल्ले निकलना, दाने निकलना। तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेट को कवर कर रखा है कि जिससे मच्छर मक्खी का कंट्रोल हो सके। दूसरा है कि पशु को बैठने के लिए एक अच्छी बेडिंग, जो कहते हैं कि आजकल लोग फर्श पे, मिट्टी के फर्श पे बिठाना लोगों ने पशुओं को छोड़ दिया है। तो मिट्टी के फर्श पे हमारे पास आप देख सकते हैं बाहर मिट्टी का फर्श जो है उस पर हम पशु को 4 से 6 घंटा रखते हैं। देन फीडिंग के लिए हम यहाँ पे इनको लाते हैं और यहाँ पे उसके बाद 4 से 6 आवर की हम फीडिंग करवाते हैं। दूसरा जो न्यूट्रिशन पार्ट की बात करें कि विभिन्न तरीके की बीमारियाँ जो हैं न्यूट्रिशन से आती हैं। एक बीमारी आजकल सबसे ज़्यादा खतरनाक है जो वो है थनैला बीमारी कह लें या पुनः प्रजनन की बात कर लें। तो अभी जो है आप देख रहे हैं कि पशुओं में थनैला बीमारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। इससे बचाव के लिए अपने बाड़े को साफ़ सुथरा रखें, पशु को साफ चारा, साफ पानी दें, साथ साथ विटामिन्स और मिनरल का सप्लीमेंटेशन थ्रू राउंड ईयर देते रहें, और साथ साथ पशु के पेट के कीड़े की दवा जो है हर 3 महीने पे या आवश्यकता अनुसार जब भी लगता है कि पशु में पेट के कीड़े का प्रकोप बढ़ गया है तो उसको पेट के कीड़े की दवा जरूर दें हर 3 महीने। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत थैंक यू। जी धन्यवाद। ये थे डॉक्टर राजन मिश्रा जो कृषि विज्ञान केंद्र में एनिमल साइंस के विशेषज्ञ हैं। आज हमने देखा एक नया एपिसोड डीडी किसान में। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे मिलेंगे दूसरे एपिसोड में नए चर्चाओं के साथ। धन्यवाद।